ये देखें काफी बॉयल हो गया, बस थोड़ा सा और हो जाए। अपनी स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है। अस्तगफिरुल्लाह, सॉरी, मैं इतना ड्रोना लग रहा है ना। मैंने बना लिया है टाइम टेबल और यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ रोजमेरी हु इन्वेंटेड टेलीफोन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सेट्स क्रेजी वर्ल्ड में, और मैं हूँ जी आपकी होस्ट सैड शिशफाक। तो एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में, कुछ नई बातों, नई चीजों के साथ मैं हो गई हूँ हाजिर। तो जी एक नए दिन का आगाज हो चुका है, बहुत ही जबरदस्त व्लॉग लेकर, बहुत ही जबरदस्त बातें चीजें लेकर मैं हो गई हूँ हाजिर। तो जी सबसे पहले बता देती हूँ टाइम, जो कि 1:25 हो रहे हैं, 1:25 ऑलमोस्ट लाजमी कहना चाहिए, क्योंकि एक मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। खैर जी बच्चों से आपको मिलवाती हूँ। आज है जी 1 मई, लेबर डे। तो मेरी तरफ से तमाम मजदूरों को, तमाम लेबर्स को 1 मई, ठीक है जी, हम उनके साथ खड़े हैं और चाइल्ड लेबर के भी अगेंस्ट हैं और इन सब चीज़ों के, यानी कि हमें अपने जो लेबर है पूरे मुल्क की, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उनकी जो होती है मंथली जितनी उनकी, यानी कि पैसे बनते हैं, वो पूरे के पूरे उनको देने चाहिए। प्रॉपर वे में उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनको मारना पीटना नहीं चाहिए। और इसी आज की अच्छी बात के साथ हम करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। लेकिन पूरी वीडियो देखने के लिए ना आपने करना क्या, हमारे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन को कर देना है प्रेस, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए, पहले मैं छींक मार लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जी आपको मिलवाती हूँ बच्चों से जो कि आज घर हैं। सबसे पहले मिलवाती हूँ आपको बड़े मजदूर से जो कि है सॉरी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी लेबर डे। ये कब मई लेबर डे छुट्टी मना रहे हो? तो छुट्टी तो लेबर डे की है ना। हाउ आर यू? फाइन। बैंगल्स पहन ली है। ओहो, कैसी हो? अभी कपड़े भी चेंज करना है, ठीक है, ठहर के जरा। और यहाँ पे जी हमारा व्लॉग अपलोड हो रहा है और आपको दिखाती हूँ रूम की सिचुएशन और कंडीशन, ऐसे बिंदास चकाचक, सब फ्रेश और फ्रेश। और शाम को भी दिखाऊंगी, आज तो पक्का दिखाऊंगी ना शाम को, जो ये हालत करते हैं। आज आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आपने रूम ऐसे ही रखना है शाम तक, कोई चैलेंज नहीं है। नहीं कहता कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि इसने गंद डालना है ना। खैर आपको मिलवाती हूँ मैं अब हमदा से, ये लोग टीवी देख रहे थे तो मैंने रुकवाया हुआ था, और अब मिलते हैं। और हमदा ही अपना कुछ स्कूल का वर्क कर रही है यहाँ पर बैठी। ये क्या कर रही है हमदा? टेस्ट कर रही, मैंने 4 पेजेस एक्स्ट्रा स्टेप एक्स्ट्रा कर लिए थे। हम तो ऐसे ही ना कुछ करती जाना, फिर टीचर कंप्लेन ही ना करें। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैंने खुद कहा। शिक्षा अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी, आपको पता है महीने का एंड हो गया और ये कम ही आ गया, तो अपनी कुछ एक्सेसरीज होती हैं जो कि स्किन केयर की, हेयर केयर की, वो मैंने लेनी होती हैं, तो वो मैं जाने लगी हूँ मार्केट। मैंने कहा मैं थोड़ी सी चीज़ें अपनी ले आऊँ, घर के काम शाम सब करवा दिए, ने खिला पिला भी दिया है, तो अब मैं जाऊँगी अपनी चीज़ें लेकर आती हूँ। हाँ जी, वाटरमेलन। तो आज मौसम भी बाहर अच्छा था, सुबह से हवा चल रही, कल की बल्कि आंधियाँ और मिट्टी, और सबको पता है क्या सीज़न, क्या मौसम चल रहा है, और पंखों की हवाएं ठंडी हुई हुई हैं, उठो नहीं रहा, दिल कर रहा सोए रहे सोए रहे सोए रहे। खैर अब मैं जा रही थी मॉल, मैंने कहा अपनी कुछ चीज़ें ले आऊँ ज़रूरी, और स्किन केयर की, हेयर केयर की, तो जो कि लड़कियों का काम होता है, उसके बगैर फिर हमें रूटीन ही ना हजम होती। तो वो जाऊँगी, वो लेकर आती हूँ, ठीक है जी, और फिर वापस आके आप लोगों से मिलती हूँ और आपको बताऊँगी क्या क्या लेकर आई हूँ, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। A few moments later, I am back, मैं आ गई हूँ घर वापस, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो चीज़ें लेकर आऊँगी आज, मैं वो आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। तो जी जो जो चीज़ें मैं लेकर आई वो मैं आपको दिखाती हूँ। आते ही मैंने बच्चों को खाना शाना दिया, क्योंकि लंच टाइम था इनका, तो इन्होंने खाना खाया। ये देखें सारी मम्मी भी खा रहा है, हुरैन खा के हटी है। सो देखो सारी ने ना अपने थंब पे वो टिन पैक का लगवा लिया। खैर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। अच्छा पास आओगे तो दिखा दूंगी। सो जो जो चीज़ें लाई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ये लेकर आई हूँ बॉटल, वाटर बॉटल, ठीक है। ये क्यों लाई हूँ? क्योंकि मैंने ना लिया है ये रोजमेरी,
ठीक है लीव्स, ताकि बाल थोड़े लंबे हो जाएं, बाल यानी कि बालों की लेंथ बढ़े। तो मैंने इसकी रेमेडी देखी थी ऑनलाइन ही ना, एक वीडियो देखी थी, तो उसमें जिस तरह से उन्होंने बताया था, मैंने कहा मैं भी ये यूज़ करके देख लेते हैं। कहते हैं इससे बहुत ज़्यादा जो है ना बालों की लेंथ तेज़ी से बढ़ती है, बाल जो है मेरे लंबे नहीं ज़्यादा जल्दी होते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये कोई रेमेडी करनी चाहिए ना, तो मैं भी ये रेमेडी स्टार्ट करती हूँ। तो इसको बनाऊँगी, बना के फिर इस बॉटल में, ये जो बॉटल लेकर आई हूँ ना, इस बॉटल में फिल करके रख लेंगे और फिर रोज़ रात को थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे कर लिया करेंगे। तो फिर देखते हैं कि इफ़ेक्ट आता है या नहीं आता है। और उसमें ये भी उन्होंने बताया था कि आपने ना अपने बालों को नापना है, नाप के करना है, फिर आपको सही एग्जैक्ट पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलता। सो मैं अपने बालों को मेजर भी कर लूँगी, ठीक है, कि मेरी लेंथ बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। उन्होंने तो एक माह किया था और उससे काफ़ी इफेक्टिव था जिनकी मैंने वीडियो देखी। तो मैं, मुझे तो ज़्यादा करना पड़ेगा, मुझे तो ज़्यादा लंबे बाल चाहिए, लेकिन जो कि होते नहीं, मैं काट लेती हूँ ना, कटिंग कर लेती हूँ, मैं रहने ही नहीं देती लंबे। लेकिन इस दफ़ा मैंने इंशाल्लाह लंबे करने हैं, तो कटिंग नहीं करनी है मैंने। अब मैंने बड़ा पक्का इरादा कर लिया है, क्योंकि हर एक डेढ़ माह बाद, दो माह बाद मैं ना कट कर लेती हूँ, नीचे से कट कर लेती हूँ, तो इस वजह से ना ज़्यादा लेंथ भी नहीं बढ़ती। खैर एक तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है, ये ली, फिर रोज़मेरी लिया, सो है, और सेकंड मैंने लिया कलर जो कि है, ये देखें, गार्नियर का गोल्डन लाइट ब्राउन। इस दफ़ा मैंने सोचा गार्नियर का करते हैं, पहले लॉरियल का करते रहे हैं। सो मैंने कहा कि लॉरियल का अब इतना ज़्यादा महंगा हो गया हुआ है कि हर मंथ जो है वो लगाना, और साथ में चेंज भी करना चाहिए। गार्नियर का भी ठीक है। सो इस दफ़ा क्यूने का भी, मैं लास्ट टाइम मैंने क्यूने का ही लगाया था ईद पर जब यूज़ किया, तो क्यूने से भी बाल ड्राई हो जाते हैं ना, तो मैंने कहा कि शायद बाल जो इतने गिरते हैं वो उसकी वजह से ना गिरते हों, तो कलर चेंज करना चाहिए। फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि आप गार्नियर का ट्राई करें, तो उसके कहने पे मैं गार्नियर लेके आई हूँ, वरना मैं तो शुरू से ही ज़्यादा क्यूने ही लगाया या लॉरियल लगाया। सो ये लेकर आई हूँ, लेकिन कलर मैंने अपनी पसंद का चूज़ किया गोल्डन लाइट ब्राउन। तो देखते हैं अब ये देता है ग्रे कवरेज या नहीं। सो खैर सेकंड थिंग जो मैंने ली है, वो लिया है मैंने ना शैम्पू भी इस दफ़ा चेंज किया। पहले मैं यूज़ कर रही थी लॉरियल का, फिर बीच में मैंने चेंज, बहुत चेंज करती रहती हूँ मैं, पंगे लेती रहती हूँ। खैर तो अब मैं लेकर आई हूँ इस दफ़ा गार्नियर का, ठीक है। तो मैंने कहा ये भी कलर वाला है कि इसमें आर्गन ऑयल है, क्रैनबेरी है, हो सकता है ये मेरे बालों को सूट कर दे और हेयर फॉल ना हो, और ये जी कलर्ड और हाइलाइटेड हेयर्स के लिए है। सो बेसिकली इसलिए लिया मैंने, ताकि कलर्ड हेयर्स के लिए, ठीक है। साथ साथ जो है वो रेमेडी करेंगे, साथ साथ शैम्पू चेंज करते हैं, तो हो सकता है बालों की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाए। और फिर मैंने लिया है ये हेयर मास्क क्यूने का। शैम्पू नहीं लिया क्योंकि शैम्पू उसका बहुत तेज़ है, फिर बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो मैंने कहा कि शैम्पू एक चेंज कर लेते हैं ना, गार्नियर में ले लिया, और हेयर मास्क जो कैराटिन वाला है वो ये वाला ले लिया, ठीक है। और थर्ड मैंने लिया ये क्लिनजर सीटाफिल का, ठीक है, ऑयली स्किन के लिए। सो बस ये चीज़ें ली हैं, और बच्चों के लिए खाने पीने के लिए ली थी, ड्रिंक्स वगैरह ली हैं, और मैं आ गई हूँ घर वापस। तो बाकी चीज़ें कुछ जो हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, कॉस्मेटिक्स की तो मैं लेती रहती हूँ, फिर ईद आनी है फिर ले लेंगे, पहले भी ली थी। और इस तरह की चीज़ें, ये तो रूटीन में यूज़ की चीज़ें हैं ना, जो कि मैं लेती हूँ अपनी स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए। आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि किसी को आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। जैसे हेयर कलर्स हम यूज़ करते हैं, उसमें नंबर हम कौन सा लें। शैम्पू कुछ लोग चेंज करना चाह रहे होते हैं, उन्हें आइडिया नहीं हो रहा होता कि कौन सा लें, और हेयर कलर वाले बाल हैं या ब्लीच करके ड्राई हुए हुए बाल हैं, तो उन पर हमने कौन सा लगाना है, क्योंकि फिर बालों की शाइन ही नहीं रहती ना बालों में। तो शाइन रखने के लिए भी हमें बालों के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हेयर मास्क लें, हेयर मास्क जो है ना वो मैं वैसे डेली बेसिस पे नहीं लगाती, आज मैंने नहीं लगाया हुआ। तो हेयर मास्क जो है वो मैं हफ्ते में एक दफ़ा या जबकि मोस्टली जाना हो तब लगाती हूँ ज़्यादा। सो बस ये इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हेयर मास्क यूज़ करें ना, तो उससे भी बाल हमारे जो हैं वो गिरने लग जाते हैं। तो बस ये चीज़ें हैं। और ये देखें जी, रैना के मेरे पास बैठ गया, अभी इनको कपड़े चेंज करवाने हैं। आज मैंने काम कर लिया, स्कूल वर्क कर लिया सारा, मैंने 1 मिनट में कर रही, अभी आई थी ना खाना खाना, 10 मिनट खाना खाने में लगाया, बाकी 1 मिनट गई, थोड़ा सा ही रह गया था वो लूनर क्लेंजर से नहीं मिली, ठीक है। सो अब ये मैं रोज़मेरी लीव का ये बनाती हूँ और इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। और उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि जिनके बाल वीक होते हैं ना या कमज़ोर हेयर्स हैं, तो गिरने भी लग जाते हैं। तो 4-5 दिन यूज़ करके देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर तो हमारे बालों पे सेट बैठा तो फर्दर यूज़ करेंगे, अगर बालों पे सेट ना बैठा और हेयर फॉल स्टार्ट हो गया
तो फिर इसको नहीं करेंगे यूज़। सो देखते हैं, अल्लाह करे मेरे बालों पे सेट बैठ जाए और मेरा हेयर फॉल जो है वो ना हो इसकी वजह से। पहले ही बहुत है हेयर फॉल, मज़ीद क्या होगा। हाँ जी बाला के कलर जी, अब डेली रात को ये लगाया करना है। मैंने लगा 5-6 दिन तो मैं लाजमी लगाऊंगी ना, ताकि मुझे पता चले और हेयर फॉल कितना हो रहा है वो भी पता चले, ठीक है। सो या अपना काम शाम मैंने सारे निपटा लिए हैं, तो अब मैंने सोचा मैं अपना ना रोज़मेरी का बना लूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये बोतल जो चाहिए इसको साइड पे निकाल लेते हैं, और दूसरा हम अपना ये निकाल लेते हैं। मैंने कहा चलिए आपको भी मैं बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाना है, ठीक है। चलते हैं किचन में सबसे पहले। जी जी सर जी, हाँ जी बताएँ। सीटी बजाने लगा, सीटी अंदर छुपाई हुई है। दूध गिर जाना, दूध पीना। ये देखें ये दोनों बैठे हैं यहाँ पर, खेल खेल के थक गए हैं, अब जो है वो दूध पीने लगे हैं। और बस इनका इतना ही है मैंने बताना है। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जाना आजकल बड़े बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे आइंदा कभी इस तरह की लेबर डे की छुट्टी ना आए भी। अल्लाह करे लेबर डे रोज रोज आए। अस्तगफिरुल्लाह। चलो लाइट ऑन करो जरा। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 2 कप पानी के डाल देने हैं इसके अंदर, ठीक है, इस फ्राइंग पैन में। तो हम द कैन से पानी लेकर आएगी और फिर हम इसमें डालेंगे। हम देखो तो बाहर के लाओ कैन से, ठीक है। और मैं जल्दी से उतनी देर में रोजमेरी धो लेती हूँ। तो बोतल हम दा को हम दे देते हैं, ये वाली हम दे, ये हाफ कर लो, ठीक है। ओके हम दे ये हाफ भर लो जल्दी से, ठीक है। और जितनी देर में हम दा पानी डाल के लाती है, मैं ये रोजमेरी जो है इसको धोना है, धोना तो इसको धो लेते हैं। हाँ जी गाइस, ये ना मैंने 2 चम्मच ले लिए रोजमेरी के, ये वाली बोतल खोली थी, आप यकीन करें 2 चम्मच निकले, आधी थी, आधी से भी थोड़ी थी, तो ये तो हालात है इतनी थी, इतनी थी। और मैंने इसमें से 2 चम्मच डाले और 2 ही मुझे लगता बस बचे हैं। खैर मैंने जो रेमेडी देखी थी उसमें उन्होंने 2 चम्मच ही लिए थे, 2 चम्मच लेके इसको वॉश कर लेना ताकि इसमें से मिट्टी वगैरह डस्ट ऑफ हो जाए, ठीक है। और मैंने कहा देखो गिर तो नहीं रही, नहीं, बस इसको धो लेते हैं, धो के फिर हम इसे पानी में डालेंगे। 1 कप मैंने पानी डाल दिया है, दूसरा ये देखिए मैं डाल रही हूँ। और ये जो रोजमेरी के लीव्स मैंने धोए थे इसको इसमें डाल दिया, ठीक है। इस तरह से 2 चम्मच वॉश कर लिए हैं अच्छे तरीके से। ये 2 चम्मच कितने खाए हैं आप लोगों ने बनाना है? हमारे बाल में पे लग सकते हैं। आपको जो है ये 2 चम्मच इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा नहीं है, ये बस मेरे भी बाल। ये देखो जरा लाल खीर पक रही है, खीर बांटने लगी हूं मैं, ये लो देख लो, ये देखें ये मम्मा का, तो वो बेसिल सीड्स लग रहे हैं। बेसिल सीड्स नहीं है ये, दीस आर नॉट द बेसिल सीड्स, दिस इज द रोजमेरी लीव्स। चलो जी अब इसको कर लेते हैं हम पूरा स्टार्ट। चिल्ला मैंने चला दिया और आपने करना क्या है कि ना आपने इसको 15 मिनट तक पकाना है, तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इसको पकाते हैं, 15 मिनट के बाद वापस आके आपको दिखाती हूँ। और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया ताकि ये पकने लग जाए, जब पकने लग जाएगा फिर थोड़ा मीडियम फ्लेम कर देंगे, ठीक है। उतनी देर जो है ना मैं अपनी बॉटल रेडी कर लेती हूँ, इसको खोल के इसको भी वॉश कर लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि धोकर ही यूज़ करनी चाहिए। तो इसको भी रेडी कर लेते हैं, ठीक है। ये बात भी बताने भूल गई मैं कि ये 2 कप है, तो हमने इसे इतना पकाना है कि ये 1.5 कप रह जाए, ठीक है। 1.5 मग रह जाएगा, उस टाइम तक पकाना है, 15 मिनट में तकरीबन उतना ही पकना है गाइस। तो जितनी देर में हमारा वो बॉयल हो रहा है ना रोजमेरी का पानी, हम एक और काम करते हैं जो उन्होंने भी किया था, जिनकी मैंने वीडियो देखी थी कि उन्होंने इस तरह से लिस्ट बना ली थी टाइम टेबल की तरह से, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से डेट्स लिख के पूरे 40 डेज उन्होंने किया था, तो हम भी 40 डेज का ही कर लेते हैं, ताकि दिल करे दे लिख करने को, और डेली हम इस पर टिक लगाएंगे, ठीक है, रात के टाइम। तो मैं भी बना लेती हूँ ताकि मेरा भी दिल करे, और उनको फॉलो कर रही हूँ तो पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और मैं भी इधर से जल्दी से बना लेती हूँ, ठीक है। सो यस सो जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये मैंने बना लिया है टाइम टेबल, और यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ रोजमेरी चैलेंज, कि करना ही करना है, टू डू, ठीक है जी, करना ही करना है इंशाल्लाह।
अब इसको हम वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं रूम में कबर्ड के साथ, ताकि इसको मैं देखूँ और फिर डेली मेरा दिल करे कि मैंने इस पर टिक लगानी है और मैंने ये अपने बालों पे लगाना है। इस तरह से मैंने लगा दिया रोजमेरी चैलेंज, यहाँ पे मैं इस मिरर के आगे खड़ी होकर करूंगी और यहाँ पे मैं टिक लगा दिया करूंगी। अभी आज फर्स्ट डे का करेंगे और टिक लगाएंगे आपके सामने। और सारिम कह रहा है अगर कोई फर्क ना पड़ा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ तो करना है ना, अब कोई केयर तो करनी है ना बालों की। आपको जरूरत है, आपकी तो कटिंग करवानी थी तो बाबा ही नहीं अभी तक आए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अस्तगफिरुल्लाह, सारी में इतना डरोना लग रहा है ना तू, अस्तगफिरुल्लाह। थैंक यू बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आप नहीं आए। ये देखिए काफी बॉयल हो गया, बस थोड़ा सा और हो जाए। सो और ना इस बू पता कैसी आ रही है, कैसी बताऊं, जैसी हर्ब्स की होती है ना, जड़ी बूटियों की। हाँ, जैसी जड़ी बूटियों की होती है, हल्की हल्की सी, मध्यम सी, बुरी नहीं है। सो लेकिन किसी ऑइंटमेंट की भी होती है ना, जैसे कोई हम देसी ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, तो उस तरह की ही खुशबू है इसकी ना। सो अनियन वाटर तो मुझसे लगाया नहीं जाता क्योंकि मुझे उसमें से स्मेल आती है, लेकिन ये लगाएंगे और इसकी लाइट ही रहेगी मुझे लगता है। स्मेल आ रही है, अच्छी है, बुरी नहीं है, यानी कि कुछ डिफरेंट। हाँ डिफरेंट, जाहिर है ऑफकोर्स, एक वो हर्ब है तो उसकी खुशबू तो कुछ होगी ना। सो खैर इसको 5 मिनट अभी और बनेगा, तो फिर अभी 5 मिनट्स और होने देते हैं, फिर हमने इसको 20 मिनट तक ठंडा करना है, उसके बाद हमने इसे अपनी बोतल में डालना है। तो इसको भी बनने देते हैं, ये देखिए। ओके जी गाइस, हमारे व्लॉग का एक जो सेगमेंट था जिसमें हम बच्चों से आज की अच्छी बात पूछते हैं, और कल सारिम ने पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या था वो भी सारिम बताएगा, उसका आंसर क्या था वो भी सारिम बता रहा है, बताएं जी सारिम। हाँ जी, क्वेश्चन था हो इन्वेंटेड बल्ब। आंसर बताओ, थॉमस एडिसन। और हम तब बताएगी, मेरा क्वेश्चन था हु राइट नेशनल एंथम, उसका आंसर है हफीज जलंधरी। हु इन्वेंटेड टेलीफोन। ये देखें, और हाफ कप सूख गया था, बाकी का ये है, इसको स्टेन कर लेते हैं, और डेढ़ कप रहना चाहिए था, मुझे लग रहा है एक कप ही रह गया, खैर इसको निकालती हूँ मैं। जी गाइस, इस तरह से मैंने स्टेन कर लिया, इसको हम डाल लेते हैं अपनी बॉटल में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखेंगे ऐसे डाल लेते हैं, ओके जी, ये मैंने इस तरह से बॉटल में डाल लिया। अब ना उन्होंने क्या किया था कि इसके अंदर ना हाफ कप प्लेन वाटर भी डाला था, यानी कि बॉयल करने के बाद, पकाने के बाद इसमें हाफ कप प्लेन वाटर भी डाला था, उसकी क्या रीज़न थी वो तो मुझे नहीं पता। हाफ कप प्लेन वाटर भी डाला था ताकि इसकी दो कंसिस्टेंसी, 2 कप थी ना तो 2 कप ही पूरे हो जाएँ। सो हम भी डाल लेते हैं, ठीक है, ये इस तरह से प्लेन वाटर में इसमें साफ जो है पीने वाला पानी वो डाल लेती हूँ। गाइस, आप ये फुल हो गया। एक चीज से रेडी रहे कि कल बताओ मैं कौन सा क्वेश्चन किसके मुतालिक होगा। कंप्यूटर में स्प्रेडशीट के मुतालिक होगा, हमारे कंप्यूटर की मैम ने दिया था, 6th क्लास की बुक से हमें स्पेशल। अच्छा चलो ठीक हो गया, गाइस रेडी रहे, स्प्रेडशीट के हवाले से हो। ओके जी, चलें जी, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। सारिम के जो फैंस हैं ना, और जो सारिम के वो वॉच करते हैं, वो रेडी रहे भाई, सारिम और क्वेश्चन लेकर आने वाला है। गाइस ये टोनर हो गया रेडी, ठीक है, इसको मैं लगा लूँगी अब बालों पे, और फिर 40 डेज़ बाद हम इसको चेक करेंगे और इसका रिव्यू दूंगी आपको मैं। सो आज फर्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इसको लगा लेती हूँ। सो यार चलते हैं और लगाते हैं। ओके जी गाइस, इंची टेप हम ले आए हैं, और सारिम यहाँ से, सारिम पीछे जो मेरा आखिरी बाल है ना, वहाँ तक आपने खींच के मेयर करना प्रॉपर, ठहरो ना मेरे हाथ से ना इंची टेप खींचो। बस वो निशान लगा के मुझे दे दो, आखिरी जो बाल है लंबा, बॉल पेन दो। नहीं नहीं, उंगली से ही सीधा सर, अब देखो बाल कहाँ है मेरे, सीधा करके बाल करनी है। 26 है, 26 है, मुझे पकड़ा दो ना वहां से उंगली रख के, ये रहा 26 तक आया।
मेरी बालों की जो कि सारिम ने मेयर किया और हम ना 40 डेज के बाद सारिम से ही मेयर करवा लेंगे, ठीक है। मैं जल्दी से ना पानी लगा लूं। लिया है और टिक लग गई है, डे वन हो गया है। उससे ज्यादा ना बच्चे एक्साइटेड है। अच्छा खैर, मैंने आपको दो तीन बातें बतानी थी। एक ये कि ये जो है ना लगा के सिर्फ रूट्स में लगाना है, पूरे बालों पे नहीं लगाना। बाल ड्राई हो जाते हैं, अगर ब्लीच वाले बाल हैं या कलर ट्रीटेड हेयर्स हैं तो आपके बाल बहुत कुछ ड्राई हो जाएंगे। तो फिर उसके लिए करना क्या होगा कि इस पानी में ना हाफ चम्मच जो है ना वो ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल के आप डाल लें और शेक कर लें, और जब लगाना हो तो फिर वो मॉइस्चराइज थोड़ा सा कर देगा, बालों को ड्राई नहीं करेगा। अगर फ्रूट्स में लगाना है, रूट्स में लगाएंगे तो जैसे मेरे हल्के से बाल हैं तो सारे बालों पे ही आ जाता है। खैर ड्राई लगाते हैं इसको, 5 दिन देखेंगे। अगर हेयर फॉल जो है वो ज़्यादा हो गया तो फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगा लूँगी, और अगर हेयर फॉल ना बढ़ा मेरा तो फिर तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त हो जाएगा। और बालों की लेंथ हमने कर ली थी 26 इंच थे, ठीक है, जो आखिरी बाल था ना वहाँ तक हमने नापा था, 26 इंच थे लेंथ। तो फिर देखते हैं कि कितनी लेंथ होती है, बढ़ती है नहीं बढ़ती है, ठीक है। सो फिंगर्स आर क्रॉस्ड, और उम्मीद करती हूँ गाइज आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।